आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से बिटकॉइन की माइनिंग कैसे करें। अब इस टॉपिक पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने नाइस हैश, अनमाइनेबल और अलग अलग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है वो बताया हुआ है। और इस वीडियो में आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म को बताऊंगा जिसका नाम है सोशल माइनर। अब इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है कि कई बार लोगों के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, लैपटॉप तो मतलब मोस्ट प्रेफर्ड डिवाइस नहीं है माइनिंग के लिए, पर आपके पास वही है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो कई बार लोगों के डेस्कटॉप या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, सिर्फ सीपीयू होता है, और आपके पास ग्राफिक कार्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में सोशल माइनर आपको सबसे अच्छी इनकम निकाल के देगा कंपैरेटिवली बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका सोशल माइनर का अकाउंट है ये अलग अलग एल्गोरिदम को रन करेगा और देखेगा कि जो सबसे ज़्यादा सुटेबल कॉइन है उस कॉइन को माइन करेगा और आपको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में देगा, आपको जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो बिटकॉइन में देगा। यानी कि हम बिटकॉइन डायरेक्टली नहीं माइन कर सकते हैं, आज की डेट में कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर लैपटॉप से आप बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेडिकेटेड एसिक माइनर्स चाहिए होंगे। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से कोई दूसरे ऑल्ट कॉइन यानी अल्टरनेट कॉइन्स माइन होंगे और उनके बदले आपको बिटकॉइन मिलेगा। तो माइनिंग करने के लिए आपको सोशल माइनर की वेबसाइट पर चले जाना है, तो मैं चले जाता हूँ सोशल माइनर। ठीक है, आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हो। MINER, मैं आपको गूगल से जा करके दिखा देता हूँ, ये रही वेबसाइट। अब देखो, माइनिंग करने से पहले एक बार बेहतर होगा कि आप वेबसाइट की डिटेल पढ़ लो। जैसे कि अभी एक बोनस वीक चल रहा है जहां पर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आप CPU से जो माइनिंग करते हो उसमें आपको 5 times ज़्यादा माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड है तो उसमें 3 times ज़्यादा, 6 GB का है तो 2 times और 8 GB का है तो 2 times। ये 1 हफ्ते का इनका चल रहा है माइनिंग रिवॉर्ड बोनस वीक, तो आपको ऐसे कई सारे जो बोनस हैं वो वेबसाइट पर ही दिख जाएंगे, तो बेहतर होगा कि आप इनको देख लो। अभी 1 हफ्ते तक है, अगर आप अगले इस एक हफ्ते में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक में अपना माइनिंग स्टार्ट करते हो, आपके पास जो भी हार्डवेयर है, CPU वाला है, ग्राफिक कार्ड वाला है, जो भी है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो और आपको बेस्ट एल्गोरिदम पे अच्छा रिटर्न देगा। और यहाँ आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि माइनिंग करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें लिखा है नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका हार्डवेयर है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप जैसे सीरियसली माइनिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप इथेरियम की माइनिंग करना चाहते हो, जब तक वो बंद नहीं हो जाती तो आप उसकी माइनिंग करना चाहते हो, 6 GB 8 GB का ग्राफिक कार्ड लेकर के आते हो, अपने डेस्कटॉप में लगाते हो या फिर एक डेडिकेटेड रिग ही बनाते हो, तो वो जो आप खरीद रहे हो, जो इक्विपमेंट खरीद रहे हो, वो आपके पैसे लगेंगे। अब जिसे नहीं पता है कि माइनिंग क्या होता है, एक्चुअली मैं उसे बता दूं कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो लोग उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराते हैं वो माइनर होते हैं, और जिन कंप्यूटर की मदद से उन क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराया जाता है उसे माइनिंग मशीन कहते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने के बदले आपको मैनुअली नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपका हार्डवेयर करता है कंप्यूटर कैलकुलेशन, और उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड आपको क्रिप्टो करेंसी में ही मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ये वेबसाइट ऑल्ट कॉइन यानी अल्टरनेट कॉइन्स, जो भी जितने भी कॉइन्स हैं, ऑर्गो है और कई सारे कॉइन्स हैं जो कि अभी भी कम हैश रेट में, कम पावर में ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर दे रहे हैं, उनको माइन करेगा और आपको बिटकॉइन देगा। आप रेफर भी कर सकते हो, जैसे इन केस अगर आपके पास फ़ोन है, आपके पास हार्डवेयर नहीं है, और यानी फ़ोन का हार्डवेयर है, CPU और डेस्कटॉप नहीं है, और आप माइनिंग करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप फ़ोन से माइनिंग तो कर नहीं पाओगे क्योंकि उसमें बहुत ही कम रेवेन्यू है, मान के चलो कि नहीं कर सकते हो आप, तो आप रेफर करके उससे ज़्यादा कमा लोगे। जो माइनिंग करना चाहते हैं आप उसको रेफर कर सकते हो, तो यहाँ से आप उनका रेफर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट की और भी डिटेल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये एक काम की डिटेल है, नो इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया, कोई डिपॉजिट भी नहीं करना है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, नाम वाम ईमेल आईडी तो देनी ही पड़ेगी, कोई ऐसा आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब नहीं देना है, और सिक्योरिटी के लिए 2-step और OTP लगा हुआ है, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना पड़ेगा आपको और OTP यूज़ करना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि माइन आपका हार्डवेयर करे और फंड को उठा कोई और ले जाए, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी भी है। इजी टू यूज है और इनका रेफरल प्रोग्राम, बाकी की चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक काम की चीज़ है जो लोग पूछते हैं, मिनिमम पे आउट है 0.001 बिटकॉइन। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि 0.001 बिटकॉइन होता कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितना माइन हो जाने के बाद हमारा बैंक में आएगा, सॉरी बैंक में नहीं, क्रिप्टो एक्सचेंज में आएगा। तो आपका 3,500 के आसपास, इतने रुपए के लगभग माइनिंग हो जाएगी, तब ये होगा समथिंग अराउंड $370 के आसपास होगा, उतना क्या उतने का आपको बिटकॉइन माइन हो जाएगा, तब आप उसे विड्रॉ कर पाओगे प्लेटफॉर्म से, और वीकली आप विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉल में कोई फी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 3,500 रुपये का लगभग बिटकॉइन माइन करने में, यानी कि 0.001 बिटकॉइन माइन करने में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन लग जाने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दमदार पावरफुल हार्डवेयर है तो हो सकता है हफ्ते भर में ही माइन हो जाए, और कम पावरफुल है तो हो सकता है 2 महीने लग जाए, पर ऑन एन एवरेज जैसे मेरे लैपटॉप में 4 GB का ग्राफिक कार्ड है
तो मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 दिन या एक महीने लग सकते हैं माइन होने में। तो अब चलिए माइनिंग कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए जैसे मैंने तो अकाउंट बना रखा है, पर चलिए आपको शुरू से दिखाता हूँ। साइन अप पे चले जाना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और एक रेफरल कोड जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आपको रेफरल कोड मिल जाएगा, उसे यूज़ कर लेना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अच्छा, अकाउंट बनाते हुए एक प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों को देखने को मिल रही है कि जो ईमेल आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन का मेल आ रहा है, वो प्रमोशन या फिर सोशल वाले सेक्शन में आ रहा है, इनबॉक्स में नहीं आ रहा है। तो आपको अपने प्रमोशन में जाकर के देख लेना है, वहां पर आपको मेल मिल जाएगा, वहां से अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करने जाओगे तो एक ओटीपी भी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके लॉगिन कर लेना है। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा जो कि मैं जाहिर आपको नहीं बताऊंगा मैंने क्या किस में डाला हुआ है। तो आपको अपने हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चंस, 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर खुद ही लिख देने, ताकि कल को आपका अकाउंट कोई और हैक करने की कोशिश करे तो उसके पास इस क्वेश्चन के आंसर ना हो और वो ओपन ना कर पाए। इनका ईमेल के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो कि उम्मीद है आगे चल के ठीक हो जाएगा, पर अभी के लिए आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। हो सकता है आपका कोई काम का ईमेल सोशल माइनर का मिस हो जाए क्योंकि वो प्रमोशन सेक्शन में जा रहा है। तो उससे बचने के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि ट्रिपल डॉट में जा करके और यहाँ पर चेंज लेबल में जाकर के इसे इनबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ इनबॉक्स सेलेक्ट कर रखा था, ताकि जो भी सोशल माइनर के मेल्स हैं वो इनबॉक्स में रिसीव हो और कोई काम का जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मेल आए तो वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा ना हो कि मुझे बार बार प्रमोशन सेक्शन में जाकर के देखना पड़े। तो एक चीज़ ये आप लोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, अकाउंट ओपन होने के बाद जो हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें हमारा जो हम माइनिंग करेंगे, वो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको टोटल बताएगा कितने बिटकॉइन आपने माइन किए हैं और यहाँ पर माइन टोटल, रेफर टोटल यानी रेफर से कितने कमाए हैं, टोटल अर्निंग क्या हुई है, अर्निंग हिस्ट्री आपको दिखा देगा कि आपने किस किस दिन कितना कमाया, जो कि अभी के लिए तो कुछ नहीं क्योंकि मैंने जस्ट आपके सामने ये अकाउंट क्रिएट किया है और अभी तो मैंने माइनिंग स्टार्ट भी नहीं की है, तो अभी यहाँ सब कुछ जीरो ही बता रहा है। तो अब चलते हैं मेन चीज़ पे जिसके लिए ये वीडियो है और जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो कि आखिर माइनिंग करते कैसे हैं। तो देखो, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सॉफ्टवेयर सब कुछ खुद ही करेगा, खुद ही कॉइन सेलेक्ट करेगा कौन सा कॉइन सही है। अब चाहे वो आपका हो मोनेरो हो, इथेरियम हो, इथेरियम क्लासिक हो, रेवन कॉइन हो, जो भी आपके हार्डवेयर के हिसाब से सही होता है वो अपने आप एल्गोरिदम सेट करेगा, माइन करेगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा। और ये जो अपडेट होगा माइनिंग का, जो आपका डेटा अपडेट होगा, वो 24 से 48 घंटे लग जाएंगे अपडेट होने में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रियल टाइम में चेक करो और कहो कि यार ये तो माइन हो ही नहीं रहा है, नहीं, थोड़ा टाइम लेगा। तो माइन करने के लिए देखो, डाउनलोड के सेक्शन पर जाना है, एक सॉफ्टवेयर है माइनिंग का, सॉफ्टवेयर है इनका सोशल माइनर का, जिसे डाउनलोड करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा और वो माइनिंग करेगा। अब एक काम की चीज़ है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है यानी कि जो हमारा विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, ये उस सॉफ्टवेयर को हो सकता है मालवेयर डिक्लेयर कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है, जैसे कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए और आप बाद में माइक्रोसॉफ्ट को गाली दो, इसलिए कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक मालवेयर घोषित कर देते हैं और आप सोचोगे यार ये तो वायरस है, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाइस हैश में भी मैंने आपको बताया था ऐसा ही केस था, तो ये वायरस नहीं है, आपको उसे इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा एक तरीके से, उस सॉफ्टवेयर को मालवेयर से हटाना पड़ेगा कि कंप्यूटर को ऐसा न लगे कि वो मालवेयर है, जिसके लिए आपको विंडोज सिक्योरिटी में जाकर के थोड़े से अपडेट करने पड़ेंगे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनकी सपोर्ट टीम भी अच्छी है, आप info@socialminer.com पे मेल कर सकते हो, पर मुझे लगता नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली देखो, मोस्टली लोग क्रोम यूज़ करते हैं, कोई लोग फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोम में कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल में जाकर के विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ कर देना है। यहाँ पर जो आपका वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, इसको ऑफ कर देना है, ताकि जो आपका विंडोज डिफेंडर है वो इस सॉफ्टवेयर को मालवेयर न घोषित करे और रन हो जाने दे, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, डिलीट हो जाएगा अपने आप और वो रन नहीं होगा, ठीक है। और क्रोम का भी अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जहां पर कई बार वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो होता है पर वो स्टोर ही नहीं होता है, तो उससे भी बचने का तरीका है। तो यहां पर आपको क्रोम का पूरा मिल जाएगा, आपका जो भी ब्राउजर हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे इंस्टॉल करना है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड पे गए, यानी कि उसके बाद मेरा विंडोज़ है, आपके पास मैक है तो आप मैक पे भी कर सकते हो, तो मैं विंडोज़ के डाउनलोड पे क्लिक किया और देखिए एक कितने एमबी का, 76 MB का एक exe फाइल डाउनलोड हो रही है, जो कि एक्चुअली माइनिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए अभी के लिए तो मेरे क्रोम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये डाउनलोड हो गया, तो इसको रन करके देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मोस्ट प्रोबेबली ये रन हो जाना चाहिए। देखिए, विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी, मोर इन्फॉर्मेशन गए, रन एनीवे। अब देखिए, मेरा जो अवास्ट का एंटीवायरस है उसने अपने आप इस सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर दिया और ये रन भी नहीं हो रहा है। ये हमारे डाउनलोड में अगर हम जाएं तो यहाँ पर कहीं वो फाइल है ही नहीं, डिलीट हो गई। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई, सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी। पहले मैं जाता हूँ अपनी सेटिंग में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, विंडोज सिक्योरिटी में, फिर उसके बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन,
और इसमें हमें जाना है वायरस की मैनेज सेटिंग्स में, और ये जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसे ऑफ कर देना है, बस इतना ही करना है। और उसके बाद दोबारा से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, क्योंकि जो मैंने डाउनलोड किया था वो एक्चुअली डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली, और इस बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। अब इसको रन करते हैं, देखिए मोर इन्फो रन एनीवे, और ये रन हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था, आप देख रहे हो रन हो गया। नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन। जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से अकाउंट बनाया गया था सेम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और देखिए ये हमारे वर्कर का नाम ये है, ठीक है, 6642ED92, और CPU यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं 50% 25% वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, एक ग्राफिक कार्ड है, 8 कोर का CPU है, i5 9th जनरेशन, और नेक्स्ट पे आउट 8 घंटे 7 मिनट में मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ये CPU की माइनिंग स्टार्ट हो गई। पर लेट से मैं CPU छोड़ के GPU की माइनिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त CPU और GPU दोनों ही मेरे यूज़ हो रहे हैं माइनिंग में। तो अगर हम टास्क मैनेजर में चल के देखें कि हमारा हार्डवेयर कितना यूज़ हो रहा है, परफॉर्मेंस देखिए 100% CPU यूज़ हो रहा है, और GPU अभी हमारा लगता है रन होना चालू नहीं हुआ है, GPU भी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप CPU और GPU के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो। ओके, तो एक्चुअली सब कुछ ठीक था, बस GPU थोड़ा सा टाइम ले रहा था डेटा को दिखाने में। देखिए यहाँ पर हमें ग्राफिक कार्ड से जो भी हैश रेट मिल रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और उसका डेली का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि अगर मैं ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करता हूँ तो डेली का तकरीबन $0.50 ये बता रहा है। और CPU से अगर मैं थोड़ी देर रन करूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाने लगेगा कि अगर मैं CPU से माइन करता हूँ तो मेरा डेली का कितना प्रॉफिट होगा। और ये सब कुछ आपके जो अकाउंट है सोशल माइनर का उस पर अपडेट होता जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो मेरा ग्राफिक कार्ड कैसे यूज़ हो रहा है और CPU कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये तुरंत अपनी पीक पे नहीं यूज़ होगा, थोड़े टाइम में धीमे धीमे करके ये अपना यूज़ होने लगेगा। आपका ग्राफिक कार्ड मोस्टली यूज़ होता रहेगा और CPU भी आपका 100% एफिशिएंसी पे चलेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। एक मिनट में टर्बो पे लगा के देखता हूँ क्या पता उससे इफेक्ट पड़े, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो अभी परफॉर्मेंस मोड पे है, तो मैं थोड़ा इसे गेमिंग मोड पे लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पर इफेक्ट आए और मेरा हार्डवेयर अच्छे से यूज़ हो। CPU तो आप देख ही सकते हो 100% यूज़ हो रहा है, GPU अभी नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम में ये भी होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनिंग कर सकते हो, और आपकी जो भी इनकम होगी यहाँ पर और आपको आपकी वेबसाइट पर आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। विड्रॉ करने का आपको पता ही है, विड्रॉ पे जाना है, पहले तो यहाँ पर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप चाहो तो किसी वॉलेट में जैसे ट्रस्ट वॉलेट या फिर CoinDCX वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में रिसीव कर सकते हो, और वहाँ से भेज करके पैसे बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि क्रिप्टो करेंसी आप माइन करोगे, एक मिनट मैं माइनिंग बंद कर देता हूँ, इसकी बहुत आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हो। बस एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो कैसे टैकल करनी मैंने बता दिया। उसके बाद आपको माइनिंग पे क्लिक कर देना है, CPU से माइन करना चाहते हो CPU से, GPU से करना है GPU से, और माइनिंग स्टार्ट, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। और फिर टाइम टू टाइम आपको विड्रॉ करते रहना अपने फंड को और बेच के पैसे निकालते रहना। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई सवाल हो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और अगर सवाल ज्यादा बड़ा हुआ तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।